आज है येवला मंडी और आज की तारीख है 23 जुलाई और आज की पहली वीडियो शूट हो रही है और ये सभी लोग जो है वो चैनल के सब्सक्राइबर भी है, फॉलोवर्स भी है और उन्होंने एक बढ़िया बच्चा लिया है अभी, तो इनसे अभी थोड़ा जानेंगे क्या रेट में लिया है क्या नहीं। और वैसे आज मंडी में बहुत सारे घोड़े भी आए हैं, बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट रहती कि भाई बड़े घोड़े भी बताओ, तो आज सबसे ज़्यादा बड़े घोड़े भी आए हैं। तो सामने है ये पूरे गांव के लोग, एक ही गांव के दोस्त लोग होंगे शायद, अश्व प्रेमी सारे, उनसे जानेंगे इस बच्चे के बारे में। बहू नमस्ते, नमस्ते। सबसे पहले तो आप कहाँ से आए हो, सारे लोग ये पहले बताइए, और एक घोड़ा लेने के लिए इतने सारे लोग कैसे क्या आ गए? ये हमारा फ्रेंड सर्कल है। अच्छा, पहलवान बंदे सब। अच्छा, जो गोटी की टीम में, हाँ, नासिक के आगे, हाँ, वहाँ से 6 किलोमीटर आगे हमारा गाँव है कालू से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले भी घोड़े पालते क्या आप? अच्छा, एक मर्द का ही शौक कर सकता है, है ना? सब पहलवान है आप लोग, तो मर्द का ही शौक कर रहे हैं। तो इससे पहले अभी कितने पूरे गांव में कितने घोड़े आपके? कम से कम 11-12 घोड़े हो गए। तो क्या यूज करते, इसे राइडिंग करते या रेस के लिए करते? शामी गोंडा के लिए। अच्छा, उधर भी चलता है क्या घोटी की साइड में? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अपना क्या नाम बताया? मेरा नाम है राजेंद्र। राजेंद्र भाई, चलो ठीक है। तो क्या आप मतलब क्या पढ़ाई वगैरह भी करते हो या? मैं फार्मिंग भी करता हूँ। अच्छा, और मेरा एफपीसी का भी बिजनेस चलता है। अच्छा, तो घोड़ों का शौक कैसे लग गया फिर? ये तो अपने दोस्त लोगों की वजह से लगा। अच्छा, अपने दोस्त लोग क्या पहले से ही घोड़े हैं। अच्छा, तो जैसा भाई दोस्त लोगों की वजह से लगा, तो घर वाले चिल्लाते नहीं कि क्या रिकाम का शौक कर रहा है भाई ऐसा वैसा? ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने टाइम के हिसाब से शौक पूरा करना। हाँ हाँ, अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है तो घर वाले चिल्लाते हैं। अच्छा, शादी विधि हो चुकी क्या? हो गई, तो फिर अभी कोई बोलने वाला टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बच्चा आज आपने लिया है ना, तो कितने बच्चे देखने के बाद में ये पसंद आया आपको? सब अभी यहाँ पे मंडी में जब आए तो कस्टमर कोई नहीं था। हाँ, यानी सवेरे आ गए होंगे आप? हाँ, बहुत सुबह, मतलब 7:15 बजे आए। अच्छा अच्छा, 3 घंटे का ट्रैवलिंग था, तो आने के बाद पहले नजर में हमें यही बच्चा दिखा। अच्छा अच्छा, तो हमने बाकी बच्चे चेक किए लेकिन उसमें से हमें ये पसंद आया। अच्छा, तो बोला चलते कि अभी एक दो गाड़ियाँ आने देते, उसके बाद देखेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सा लेना है। बराबर, लेकिन मैंने पहले बोला था दोस्तों को अपन इसको ही घर लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो मेरा नसीब में यही था, बाद में गाड़ियाँ भी आई लेकिन हमें पसंद नहीं आया, यही आया। अच्छा चलो, अभी इतना बताओ कि ये बच्चे में आपने क्या क्या चीज़ें ऐसी देखी, जैसा भाई नए लोग देखेंगे ये वीडियो, देखते रहते नए लोग भी देखते, उनको भी बच्चा लेने की ख्वाहिश रहती कि अपन भी एक बच्चा ले, तो आपने क्या क्या इसमें देखा थोड़ा बताइए। देखो, बाल भौरी तो ये कॉमन चीज़ें हो गई, एक आपके आपके हिसाब से आपने क्या देखा कि भाई आपका शामी गोंडा के हिसाब से इसमें क्या फीचर्स देखा आपको, ये बताएं मेरे को। इसमें फीचर्स तो एक बात है, लोग इसकी मार्किंग देखते हैं। हाँ, हमारा शॉप का ऐसा है, हाँ, कि चीज की बनावट कैसी, हाँ हाँ, हाथ पैर कैसे, हाँ, मतलब ये इसका हाइट कैसा होगा, इसका लुक कैसा है, इसका एग्रेशन कैसा है, हाँ हाँ, इस हिसाब से हमने इसको। बच्चे में एटीट्यूड बहुत है, अभी 2 ही महीने का बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बच्चा है, मार्किंग भी अच्छी इसकी, ब्लेज है और बाकी ब्लैक आएगा, ब्लैक हो जाएगा ये बाल, क्योंकि अभी ये माँ के पेट के तो ब्राउन दिखते, बाद में ब्लैक हो जाता है, ये सही बात है। तो क्या कीमत में लिया भैया इसको? ये व्यापारी लोगों को ज़्यादा ही बताया था। हाँ, कस्टमर ज़्यादा थे इसलिए थोड़ा। अच्छा, ये बच्चे के पीछे कस्टमर ज़्यादा होंगे? हाँ, इस बच्चे के पीछे कस्टमर ज़्यादा होंगे, बहुत कस्टमर। हाँ, इसलिए हमने 24,000 में परचेस किया अभी। अच्छा, 24,000 में, बहुत अच्छा मिला है फिर, अच्छे अच्छे प्राइस में, मतलब बढ़िया प्राइस में मिला आपको, जो सेटिस्फेक्शन चीज़ है। तो ऑफर कितना बोला था? पहले तो 40,000 में बताया। अच्छा, फिर बाद में हमने बोला भाई हम सुबह से करें, हाँ हाँ, जो देने का वो बोलो। अच्छा, मैंने सही से लगा। क्या नस्ल आएंगी इसकी? मारवाड़ में। अच्छा, ये थोड़ा मारवाड़ काठी मिक्स में आएंगे, क्योंकि प्योर मारवाड़ नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके जो नोस्टेल है नागपुरी, ये काठियावाड़ी के जैसी लग रही थोड़ी सी, तो आगे चलकर और बड़ी भी हो जाएंगे तो ये काठियावाड़ी में ही आएगा, और आपके शामी गोंडा के लिए काठियावाड़ी घोड़ा ही सबसे बेटर है, सही, ज़्यादा किसान वही लोग घोड़े लेते ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बढ़िया, तो अभी क्या नामकरण वगैरह किया कि नहीं इसका? अभी तो नहीं, अभी घर जाके करेंगे। चलो बहुत बढ़िया है, तो आप मुझे पहले मिलने के बाद बोल रहे थे कि आप बहुत दिनों से चैनल वगैरह भी देखते हो, तो मतलब मैं मेरे चैनल का गुणगान तो नहीं गाऊंगा, लेकिन आपको क्या चीज़ें सीखने को मिलती नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को फीडबैक दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है
हर एक आदमी कहता कि मैं घोड़ा पाल सकता हूँ, हाँ, लेकिन ये उतनी आसान चीज नहीं है। नहीं, सही बात जो है, तुम्हारी चैनल के माध्यम से उसकी अपडेट मिलती है, मतलब घोड़ों की केयर कैसे करें, हाँ, उसको टाइम पे वैक्सीनेशन कैसे करें, उसका मतलब रहने का जो जगह वो कैसा होना चाहिए, हाँ, हाँ, फीडिंग कैसा होना चाहिए, सही है, किस किस चीजें संभालनी पड़ती है, वो हमें तुम्हारी चैनल की वजह से अच्छे से मालूम है। बिल्कुल। और मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जो भी नए लोग इसमें जुड़े, हाँ, वो तुम्हारी चैनल की वजह से बहुत कुछ सीखे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें से मैं भी एक ही हुआ सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फीडबैक दिया। वैसे तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपके जैसा, सीख रहा हूँ। ऐसा है कि बस इतना बोल सकते कि मेरे को 5 साल हो गए, आपको 2-3 साल हो गए, बस इतना ही फर्क है। जिसका जिसका अनुभव अलग अलग आता है घोड़े पालन में, हर एक का अनुभव है, और सीखना चाहिए, छोटे लोगों से भी सीखना चाहिए, आपसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सीखने की एक अपने को ये आदत भी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया, अच्छी जानकारी दी, आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बच्चा आपका अच्छा नाम करे और इसकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। काफी उछल कूद करे, थोड़ा सा उसको थोड़ा ज्यादा लंबी रस्सी से मत फिराओ, क्योंकि जगह थोड़ी सी स्लीपी है, तो थोड़ा सा नजदीक में थोड़ा घुमा उसको, थोड़ा सा बराबर, थोड़ा सा आगे लेके जाओ ना, आगे लेकर रिटर्न लेके आ जाओ। वाह भाई, तो ये बच्चा इन्होंने 24,000 में लिया है और ऑफर इनको 40,000 बताई थी। काफ़ी अच्छा बच्चा मिला, ये मारवाड़ काठी मिक्स में आएगा थोड़ा, और सुंदर बच्चा एकदम, मार्किंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। चलो भैया, थैंक यू।